बकरी पालन योजना के तहत सरकार देने वाली है 60% तक के अनुदान राशि। आज के इस वीडियो में बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं। जो भी लोग बकरी पालन करने की सोच रहे हैं या करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है। वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बकरी फार्म खोलने के लिए सरकार देगी लोन, ऐसे करें आवेदन। बकरी पालन योजना 2024। तो चलिए आप सभी को बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं। सरकार के द्वारा राज्य के अंदर रोज़गार के स्तर को बढ़ावा देने के लिए बकरी पालन का 60% का अनुदान प्रदान कर रही है सरकार। यदि आप भी बिहार राज्य के रहने वाले निवासी हैं, आप बकरी पालन करना चाहते हैं या व्यवसाय करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा इस योजना में आपको बकरी पालन का व्यवसाय के लिए 60% का अनुदान राशि देगी। सरकार द्वारा दिए जाने वाले लाभ को प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन करना होगा। इसके अलावा अगर आपके पास बकरी पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र मौजूद है तो आप इस योजना के का लाभ बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं। सरकार द्वारा बकरी पालन किए जा रहे हैं लाभ को प्राप्त करने के लिए आपको आवेदन किस प्रकार करना है तथा बकरी पालन योजना का जानकारी क्या है, तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप बिहार सरकार के या बिहार के मूल निवासी होने चाहिए। राज्य में रोज़गार के स्तर को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार बकरी पालन योजना का संचालन कर रही है। बता दें, इस योजना में सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को 60% अनुदान और उपलब्ध कराएगी, जबकि सामान्य वर्ग के आवेदकों को 50% का बकरी पालन पर अनुदान प्रदान करेगी। और राज्य के इच्छुक लोग बकरी फार्म स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें उन्हें सब्सिडी प्राप्त होगी। इस योजना का लाभ के बारे में बात करें, इस योजना के तहत सरकार द्वारा बकरी फार्म स्थापित करने के लिए 2.45 लाख रुपए का खर्च अनुमानित रखा गया है, जिस पर सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना में सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को 50% का अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग की आवेदकों को बकरी फार्म स्थापित पर 100% का अनुदान मिलता है। सरकारी इस योजना में 10 बकरी, 1 बकरा, 20 बकरी और 2 बकरे के ऊपर अनुपात में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है, ठीक है। और इस योजना के संचालन में कम से कम इतनी बकरियां आपके पास होनी चाहिए तो आपको ये सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के संचालन में राज्य में रोज़गार के स्तर में बढ़ोतरी होगी और लोग बकरी पालन का व्यवसाय कर अपनी आय को बढ़ा सकेंगे। बकरी पालन के लिए आपकी योग्यता या पात्रता क्या होनी चाहिए वो जान लीजिए। सबसे पहले भारत के और बिहार राज्य के मूल निवासी होने चाहिए। सरकार की इस योजना के तहत आपके पास बकरी फार्म स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि होनी चाहिए, यानी कि आपके खुद की ज़मीन होनी चाहिए। वही इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 वर्ष से अधिक आपकी आयु होनी चाहिए और आवेदकों को लाभ प्राप्त किया जाएगा जिनके पास 20 बकरी या फिर 1 बकरा होता है, 20 बकरी और 1 बकरा। इसके अलावा बकरी पालन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास बकरी पालन प्रशिक्षण पत्र है तो वो भी अच्छी बात होगी। और इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगेंगे, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और आवेदक का मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक। बकरी पालन प्रशिक्षण प्रमाण पत्र है तो अच्छी बात है, भूमि से संबंधित कोई कागज है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसी के साथ आपको इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा या फिर आप डिपार्टमेंट के क्षेत्र में एग्रीकल्चर एंड एलीट के सेक्शन में एनिमल एंड फिशर्स रिसोर्स पर क्लिक करके भी वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो इसकी वेबसाइट है अधिकारिक, ठीक है। और ऑनलाइन आपको इसके लिए आवेदन करना होगा, ऑनलाइन जा कर के आप आवेदन कर पाएंगे जनसेवा केंद्र से, अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र से, ठीक है। तो इस तरीके से आप आवेदन कीजिए और सरकार आपको लगभग जो सब्सिडी देने वाली है 50-60% तक की सब्सिडी आपको उपलब्ध होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी जानकारी के साथ। थैंक यू।